आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। रमजान में बाजारों में होगी भीड़, इसको देखते हुए आसनसोल की कसाई मोहल्ला की बाजार दूसरे जगह ले जाने के खिलाफ दुकानदार और स्थानीय लोगों ने मचाया हंगामा। आसनसोल पश्चिम बंगाल स्थित आसनसोल के कसाई मोहल्ला, जहां समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, इस बाजार में रमजान के समय बहुत भीड़ होती है। इसे देखते हुए प्रशासन से तय किया कि बाजार से 500 मीटर दूरी में रेल की मैदान में सोशल डिस्टेंस के तहत बाजार लगाया जाएगा। लेकिन मैदान में जब प्रशासन की आदमियों ने नापी कर रहा था, उसी समय कसाई मोहल्ला के दुकानदार और स्थानीय ने हंगामा मचा दिया। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। रमजान के समय प्रशासन ने कहा कि सब्जी बाजार हटाकर दूसरे जगह ले जाने के लिए, लेकिन दरअसल आवाम ये नहीं चाहता। प्रशासन को आम जनता की बात सुननी चाहिए। दरअसल बीते कल ही काउंसलर ने बताया कि कसाई मोहल्ला बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी जा रही है। रमजान को देखते हुए प्रशासन के साथ बाजार समिति के साथ ये तय हुआ कि बिजली पानी देकर बाजार को दूसरे जगह ले जाया जाएगा, जहां सैनिटाइज करने का भी व्यवस्था रहेगी। लेकिन आज लोगों के द्वारा विरोध किए जाने के कारण प्रशासन को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ा। आसनसोल से उज्जवल दास गुप्ता की रिपोर्ट। आज का यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर जो है किनारा रोड में कसाई मोहल्ला बाजार में जो मिल्लत सौख कमेटी वेलफेयर कमेटी का निगरानी में दुकान चलता है, लगातार प्रशासन के साथ दुकान कमेटी के साथ 3 दिन मीटिंग करने के बाद ये तय के वहाँ पाया कि वहाँ पर जो पब्लिक का गैदरिंग हो रहा, सोशल डिस्टेंस नहीं हो पा रहा, तो ये तय हुआ है कि यहाँ पर जो है पूरा मार्ट फाँका है। इस मार्ट में सब्जी का दुकान, फल का दुकान, ये तमाम दुकान लगाने का सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए, जब तक कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, और टेम्पररी यहाँ पर जो दुकानदार के लिए खुला मार्ट है, इसलिए नगर निगम की तरफ से डीएम साहब का जो आश्वासन है कि हम लोग उधर से शेड बना देंगे, टेम्पररी एक टॉयलेट का व्यवस्था होगा, पानी का व्यवस्था रहेगा। और क्या फैसिलिटी होगा इसके अलावा? जो है एंट्री का गेट रहेगा, जो मार्केटिंग करने आएंगे वहाँ पर सैनिटाइज सिस्टम रहेगा, सैनिटाइजर करके वो मार्केट में आएंगे मार्केटिंग करने के लिए, निकलने के टाइम पे उनको सैनिटाइजर करके दुकान मिल्ला शॉप कमेटी की तरफ से 73 दुकानदारों का नाम मिला है। अच्छा, 83 पुलिस का कहना है सब्जी बाजार 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाने के, लेकिन पब्लिक का मैंने दुकानदार का डिमांड है कि दूर हो जा रहा है, हम लोग को बगल में बागोदन की रोड में वहाँ पर दिया जाए। इसी बात पे आज दुकान बंद है, दुकान अभी तक नहीं खुला है, अपना कोई फैसला हफ्ते में फैसला हो पाया। आपका अपना थिंकिंग क्या है, क्या होना चाहिए? आवाम का सहूलत को देख के सरकार को कोई भी कदम उठाना चाहिए।